ज्वालामुखी विधानसभा के दौरे पर योजना बोर्ड उपाध्यक्ष विधायक रमेश धवाला के हलके में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 18 फरवरी को यहां जनता को करोड़ों रुपए से नवनिर्मित बहुमंजिला नगर परिषद के भवन की ज्वालामुखी मुख्य मंदिर मार्ग पर सौगात दी। वहीं अब इस बहुमंजिला भवन में उद्घाटन के बाद भी ताला लटका हुआ है, जिससे जनता में रोष है। हैरत की बात है कि जहां स्थानीय व्यापारी और श्रद्धालु मुख्य मंदिर मार्ग ज्वालामुखी पर बने इस बहुमंजिला भवन में कार्य करवाने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें भी वहां पर ताला लटका हुआ देखकर वापस लौटना पड़ रहा है। पूर्व पार्षद सूक्ष्म सूद का कहना है कि जब मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी वासियों को यह सौगात दी तो नगर परिषद के अधिकारी इस भवन का ताला खोलकर जनता को राहत क्यों नहीं दे रहे हैं, रैन बसेरे से कार्यकाल को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, जिससे प्रदेश सरकार की साख जनता में खराब हो रही है। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी कंचन वाला ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही हाउस की बैठक के बाद रैन बसेरे में मंदिर मार्ग पर बने नए भवन में नगर परिषद कार्यालय को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ज्वालाजी मंदिर मार्ग में, ज्वालामुखी मंदिर मार्ग में ये भवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी ज्वालामुखी द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि किसी भी किस्म के किसी व्यक्ति को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इस भव्य भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर के कार्यक्रमों द्वारा हुआ है, लेकिन उनके उद्घाटन करने के बावजूद भी इस भवन के ऊपर ताले लगे हुए हैं। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इस भवन को जल्द से जल्द खोला जाए तथा जनता को बाहर से आए हुए जातियों को सुविधा प्रदान की जाए, ताकि माँ ज्वालामुखी शक्तिपीठ में दुकानदारों का भी फायदा हो और माँ शक्ति के माँ ज्वाला। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ज्वालामुखी से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।